पूछना अगर बोलते हैं तो नहीं बिहार के एग्जिट पोल्स आए हैं, महागठबंधन जीत रहा है, किस तरह देखते हैं तो दे दे यार, आप हमें जगह दे दो यार, साइड को दे दे डॉक्टर साहब, निमन में तो थोड़ा सा पकड़ लेते हैं यार, मुझे इनसे बात, एक मिनट सर, साइड को दे दो, मैं आया हूं एक दोस्त से मिलने, जी सर, मेरा पुराना दोस्त है, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ आया हूँ ये पूछने कि यात्रु ज़्यादा से ज़्यादा आए कि हमारी बिजनेस चल सके, ये बिजनेस का घर है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माता के दर्शन करने आए, हो सकता है उसमें हमारी भी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, उनकी भी मुसीबतें दूर हो जाएंगी, मेरा काम यही था। फारूक साहब, बिहार के एग्जिट पोल्स महागठबंधन के फेवर में आए हैं, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एग्जिट पोल और रियल पोल में फर्क है, जब रियल पोल पूरा हो जाएगा उसके बाद मुझे आप पूछे, मैं आपसे बात। फारूक साहब, एक और सवाल है, गुप्ता डिक्लेरेशन में कांग्रेस सिग्नेटरी थी लेकिन अब अलग हो गई है, किस कहां से अलग हो गई? मुझे मिलने आए थे सर, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनाव अलग लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। जी नहीं, सुनिए जी, ये गलतफहमी आप दूर कीजिए जी, हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं चुनाव और कांग्रेस उसके साथ है। सर, कांग्रेस कह रही है कि हम अलग से, भाई कब आपने सुना ये? सर, कल जीए मीर ने प्रेस सुनिए कहा, कल अलग बात है, आज मीर साहब मुझसे मिलने आए थे, ओके, वो डीडी और मीर साहब ने मुझसे ये कहा है कि हमने इकट्ठे इलेक्शन लड़नी है, मुझे नहीं समझ कि आपको कहाँ से ये नारे नजर आते हैं। सर, जम्मू कश्मीर, चलो चलो यार, शुक्रिया फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, सत श्री अकाल, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर से मिलकर।